सब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा इजी है, वो सब्जेक्ट जिसको कि बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ता, और वो सब्जेक्ट जो कि हमारे आस पास ही है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट साइंस, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 4 देखेंगे। और इसके प्रीवियस का जितना भी मेरा वीडियोस था सारा का सारा यूट्यूब या प्लेलिस्ट में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर वो देखो, ओके। एंड देन इस वाले चैप्टर में जिसका नाम है हीट, हम लोग इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे, फिर हॉट एंड कोल्ड, फिर मेजरिंग टेम्परेचर, फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ट्रांसफर ऑफ हीट, काइंड्स ऑफ क्लॉथ वेयर इन समर एंड विंटर। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में कवर करना है। बट मेनली जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जिस टॉपिक को, वो है इंट्रोडक्शन एंड 4.1 हॉट एंड कोल्ड। ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग सारे के सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन एंड हॉट एंड कोल्ड वाला टॉपिक। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं है। हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, ओके। तो चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े थे कि जो भी वुलन क्लॉथ होता है वो एनिमल फाइबर से बनता है, और जो भी कॉटन का क्लॉथ होता है वो बनता है प्लांट के फाइबर से। तो इस तरह से हम लोग ये चीज देखे थे। और एक और चीज होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विंटर सीजन में जबकि सर्दी का टाइम होता है ना, तो हम बहुत ही मोटा मोटा कपड़ा पहनते हैं ताकि हम लोग का बॉडी गर्म रह सके। और वहीं अगर समर सीजन होता है, मतलब गर्मी का मौसम होता है, तो एकदम पतला, एकदम सबसे पतला कपड़ा होता है ना, हम लोग वो पहनते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से हम लोग का बॉडी जो होता है वो कूल हो सके। और आप लोग देखे होंगे कि कभी गर्मी के सीजन में घर पे भी हम लोग को गर्मी लग रहा है, और बाहर निकलते हैं धूप में तब तो और भी ज्यादा गर्मी लगता है। वही ठंड के दिनों में जब हम लोग बाहर धूप में जाते हैं तो हम लोग को कितना अच्छा लगता है, हम लोग का बॉडी एकदम गर्म होता है। तो इस तरह से ये तो हॉटनेस और कूलनेस ये हम लोग के बॉडी का हुआ, लेकिन अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस कब है, कूलनेस कब है। मतलब ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग ले लो, वो कब कोल्ड है, कब वो ठंडा है, कब वो गर्म है, इस बात का हम लोग कैसे पता करेंगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स का कोल्डनेस होता है या हॉटनेस होता है, यही सब चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बस हम लोग को यही था, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बस हम लोग का इतना ही था कि ऑब्जेक्ट का हम लोग हॉटनेस कैसे पता करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गर्म है तो ये कैसे पता चलेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ठंडा है तो ये चीज हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो यही सब चीज हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, और इतना ही था हम लोग का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे हम लोग का टॉपिक 4.1 हॉट एंड कोल्ड। तो सबसे पहले है, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, मतलब अपने रोज के जीवन में बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, और कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जैसे कि चाय ही देख लो, चाय हम लोग का गर्म होता है, वहीं अगर बर्फ की बात करते हैं, आइस की बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना। तो यही चीज इसमें कह रहे हैं कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारा ऐसा चीज देखते हैं जो कि कोल्ड होता है, बहुत सारा ऐसा चीज देखते हैं, बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हॉट होता है। We also know that some objects are hotter than others, while some are colder than others. हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, और कोई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इसको कुछ इस तरह से समझो, जैसे कि हम आप लोग को कह रहे हैं कि चाय हम लोग का गर्म है, हाँ ठीक है, चाय हम लोग का गर्म है, लेकिन वही अगर हम लोग आग की बात करते हैं, फायर की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये तो उससे भी ज्यादा गर्म है, ठीक है। तो हम लोग के आसपास ऐसा बहुत सारा चीज होता है जो कि हॉटर होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। चाय तो हम लोग का नॉर्मली गर्म रहता है, लेकिन अगर हम लोग आग की बात करें तो वो बहुत ज्यादा ठंड होता है। आगे देखते हैं हम लोग, We often do it by touching the object. अगर हम आप लोग से पूछते हैं
कि अगर हम लोग को कोई भी चीज को जानना हो कि कोई भी चीज गर्म है या ठंडा है, तो आप लोग क्या कहोगे? तो आप लोग कहोगे कि मैम उसको हम लोग टच करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो चीज गर्म है या ठंडा है। लेकिन टचिंग तो ठीक है कि हम लोग टच करके बता सकते हैं, बट क्या टच, अगर हम लोग कोई चीज को छू कर बताते हैं तो क्या ये हमेशा सही बताता है? उसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 4.1 जो कि एनसीईआरटी बुक में है, जिससे कि हम लोग को ये पता चलेगा कि क्या हम लोग को हमेशा टच करके ही सही चीज पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। तो चलो एक्टिविटी से हम लोग को पता चल जाएगा कि छू कर देखना चाहिए कि नहीं। तो हम लोग बिगड़ लेंगे तीन, ओके? इस वाले बिगड़ का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ए वाले बिगड़ में हम लोग रखेंगे गर्म पानी को, हॉट। अच्छा नीचे ही लिख देते हॉट, इससे बहुत गर्म पानी, ओके? एंड बिगड़ बी में है हम लोग का कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ओके? ये गर्म है उतना भी गर्म नहीं है, ओके? एंड देन बीकर सी में है हम लोग का हॉट और कोल्ड वाटर, दोनों को मिक्स करके इसमें डाला गया है, हॉट एंड कोल्ड वाटर, हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो इसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों मिक्स है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपना राइट हैंड, अपने राइट हैंड को बिकर ए में डालेंगे और अपना लेफ्ट हैंड को बिकर बी में डालेंगे। तो दोनों में ऐसा से हम लोग डाल दिए और 2 से 3 मिनट तक हम लोग को उसमें अपना हाथ डुबाए ही रखना है, एक हॉट में एक कोल्ड में। इसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद हम लोग फिर अपना हाथ रखेंगे बिकर सी में, जिसमें कि गर्म और ठंडा दोनों ही पानी मिक्स किया हुआ है। तो आप लोग ये देखोगे कि जब आप लोग अपना दोनों हाथ डालोगे तो क्योंकि ये तो पानी एक ही है, पानी तो एक ही है, तो हम लोग दोनों के हाथ में, ये जो दोनों हाथ जो कि हम लोग डाले हैं उसमें उसमें तो सेम तरह का फीलिंग आना चाहिए, या तो गर्म ही आना चाहिए या तो ठंडा ही आना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं। एक हाथ में आप लोग को वो पानी ठंडा लगने लगेगा और एक हाथ में आप लोग को वही पानी, ये पानी गर्म लगने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कोई भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करके कि वो पूरा अच्छी तरह से गर्म है कि ठंडा है। मोस्ट केसेस में वैसे तो हम लोग टच करके ही पता करते हैं, लेकिन सारे के सारे केसेस में ऐसा पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह से अगर हम लोग छू नहीं सकते तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आता है थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर को पढ़ने के पहले हम लोग को जरूरी है ये जानना कि टेम्परेचर किसको कहते हैं। तो चलो हम लोग टेम्परेचर लिखते हैं। The measure of degree of hotness and coldness of a substance is called the temperature. तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस, जो भी उसका गर्म होता है, या कोल्डनेस, जो भी उसमें ठंडा होता है, उसके डिग्री को मेजर करना हो कि वो कितना गर्म है, वो कितना ठंडा है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। जब भी हम लोग मेजर करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस के डिग्री को, है ना, इसमें आप लोग डिग्री को एकदम याद रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस के डिग्री को अगर हम लोग मेजर करते हैं कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। ये जो होता है ना डिग्री सेल्सियस, जैसे कि हम लोग बात करते हैं 3 है, तो जितना ये कम होता है ना वो उतना ठंडा होता है, और जितना ये ज्यादा होता है जैसे कि 49 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये उतना ही गर्म होता है। तो जितना बड़ा जो नंबर रहेगा उतना ये गर्म होगा, और ये जितना कम होगा उतना ही ज्यादा ठंडा होगा। तो इस तरह से टेम्परेचर से हम लोग कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस को और कोल्डनेस को अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं। आगे आता है हम लोग का थर्मोमीटर। The device that is used to measure the temperature of a substance is called thermometer. Thermometer एक हम लोग का डिवाइस होता है जिसका यूज होता है कि वो टेम्परेचर को मेजर करता है ना? तो जो भी चीज, जो भी सब्सटेंस के मेजर, जो भी डिवाइस टेम्परेचर को मेजर करता है उसी को हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। यूजली आप लोग भी थर्मोमीटर को देखे होंगे जो कि बिल्कुल इस तरह का दिखता है। तो हम लोग थर्मोमीटर से ही पता लगाते हैं कि कोई भी चीज का टेम्परेचर कितना है, वो गर्म है या ठंडा है। तो थर्मोमीटर का ही यूज करके हम लोग कोई भी चीज का टेम्परेचर
पता करते हैं, जैसे कि वो 3 डिग्री सेल्सियस है या 49 डिग्री सेल्सियस है, ये जो टेम्परेचर है उसी को हम लोग इसमें मेजर करते हैं। और ये जो पार्टिकुलर 49 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको टेम्परेचर कहेंगे। और इसको मेजर क्या से करते हैं, इसको मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, है ना। अब देखो फिर से हम बता देते हैं, जैसे कि बात करते हैं 32 डिग्री सेल्सियस, तो इस पार्टिकुलर को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे टेम्परेचर। और इसी टेम्परेचर को अगर हम लोग को मेजर करना हो, तो जो मेजर करना हो तो उसी को हम लोग कहेंगे थर्मोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये वाला जो 4.1 था वो होता है कंप्लीट। इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं था, हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग 4.2। और अगर आप लोग को नोट्स बनाना हो तो इसमें इससे ज्यादा और कोई नोट्स नहीं बनेगा, ये मेन पॉइंट था। और आंसर में इससे ज्यादा है भी नहीं 4.1 में, तो आप लोग देख लेना। और अगर आप लोग को मेरा प्रीवियस कोई भी वीडियोस चाहिए होगा, कोई भी चैप्टर का चाहिए होगा या कोई भी शॉर्ट्स चाहिए होगा, तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हो जो कि मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है। चलो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।